क्यों? क्योंकि द्वारका में तो ऋषि दुर्वासा जी का श्राप लगा हुआ था कि वह कोई भी विवाह नहीं कर सकते हैं द्वारका में। तो राजा परीक्षित ने कथा सुनने के बाद में कहा, गुरुदेव, भगवान का अवतार धर्म की रक्षा के लिए होता है और भगवान ने रुक्मणी का हरण किया है तो ये तो ठीक नहीं किया। भाई रुक्मणी अपने पिता की, भाई किसी न किसी पिता की तो बेटी है, और किसी की जवान बेटी को चुरा लिया जाए तो ये तो अराजकता है, भाई अपराध है, ये तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। वैसी व्यवस्था चरमरा रही है और इस कथा को ऐसे सीधे सीधे सुना दिया जाए तो और व्यवस्था खराब हो जाएगी, शास्त्र के आधार से भी और कानून के आधार से भी और समाज के आधार से भी। तब आचार्य सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाया है कि राजन, यह कोई साधारण वर कन्या का विवाह नहीं है। जो आप प्रश्न कर रहे हो यह कि एक साधारण मानव को लेकर के प्रश्न कर रहे हो। अरे परमात्मा मानव नहीं है,